आजमगढ़ के उपचुनाव नतीजे को लेकर यहाँ सैफई में काफ़ी उत्सुकता बनी हुई है। हम इस वक्त धर्मेंद्र यादव के घर पर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ धर्मेंद्र यादव के पिताजी अभयराम जी बराबर टीवी से टकटकी लगाए हुए हैं, बराबर नतीजों पे अपनी निगाह बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एबीपी गंगा पे वो बराबर देख रहे हैं नतीजे, जिस तरह से अभी लीड बनाए हुए हैं धर्मेंद्र यादव, उसको लेकर के यहाँ ज़रूर सैफई में एक खुशी का माहौल है। यहाँ काफ़ी लोग यहाँ धर्मेंद्र यादव के घर पर मौजूद हैं पिताजी के साथ उनके, आप देख सकते हैं यहाँ बराबर टीवी निगाह बनाए हुए हैं, धर्मेंद्र यादव लीड ले हुए हैं, तो उनको जिस तरह लग रहा है कि जो परिणाम आएंगे वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगे। अभयराम जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। दाऊ, आप जिस तरह देख रहे हैं नतीजे जो अभी बढ़त बनाए हुए हैं, क्या लग रहा है, जीत होगी? अब हम तो जानते हैं जीत होगी जी। जिस तरह से बीएसपी के बीजेपी के उम्मीदवार जो उनको इस बार फाइट देना है, थोड़ा नतीजा हार जाएंगे, जीत जाएंगे धर्मेंद्र। अच्छा, जीत जाएंगे। क्या लग रहा है कितने वोटों से जीतेंगे? अब थोड़े जाने कितने जीतेंगे जीतेंगे। तो ये हमारे साथ धर्मेंद्र यादव के पिताजी थे, जिनका कहना था कि धर्मेंद्र यादव का जो नतीजा आएगा वो जरूर जीतने वाला आएगा, पूरी उम्मीद लगाए हुए हैं धर्मेंद्र यादव के पिता अभयराम जी, जो बराबर यहाँ टकटकी लगाए हुए हैं एबीपी गंगा बराबर देख रहे हैं। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।